आपको तस्वीरें दिखा दें, अरविंद केजरीवाल जो हैं वो वोट डालने अपने परिवार के साथ सिविल लाइन का जो इलाका है, पोलिंग स्टेशन है, वो पहुंचे। आप तस्वीरों में साफ तौर पर देख सकते हैं कि मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जो हैं वो नज़र आ रहे हैं, और उनके साथ उनके पिताजी, उनकी माताजी और उनकी वाइफ जो हैं वो भी मौजूद हैं। तो साफ तौर पर पूरा परिवार जो है अरविंद केजरीवाल का, बेटी, लड़के, सभी लोग जो हैं वो इस वक्त वोट डालने आए हैं। और इसी पोलिंग स्टेशन पर, जो सिविल लाइन में है, अंडर हिल्स रोड पर, परिवहन विभाग का ये दफ्तर है, वहीं पर ये पोलिंग बूथ बनाया गया है। आप साफ तौर पर तस्वीरों में देख सकते हैं कि अरविंद केजरीवाल जो है वो अपने पिताजी का हाथ पकड़कर अंदर पोलिंग स्टेशन पे ले जा रहे हैं, और उनके ठीक पीछे माताजी हैं, और यहाँ पर मौजूदा विधायक और जो उम्मीदवार हैं आम आदमी पार्टी के, वो भी मौजूद हैं, पैर छूकर आशीर्वाद ले रहे हैं अरविंद केजरीवाल जी के पिताजी का। तो तस्वीरें साफ तौर पर देख रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल जो है वो अपने पूरे परिवार के साथ अपना मत, अपना वोट देने पहुंचे हैं, और अब पोलिंग स्टेशन के अंदर पूरा का पूरा जो परिवार है वो जा रहा है। मीडिया का जमावड़ा है क्योंकि अरविंद केजरीवाल इस पोलिंग बूथ पर वोट डालने, और यही वजह है कि सारी आप देख सकते हैं कि आपको ढेर सारे कैमरे भी दिख रहे होंगे। और दूसरी बात जो आप कह रहे थे कि कहीं ना कहीं धड़कन तो बढ़ी हुई है, जाहिर सी बात है एमसीडी का चुनाव है और अभी तक आम आदमी पार्टी जो है वो अपना कब्जा एमसीडी पर नहीं कर पाई है। पिछले 15 साल से भारतीय जनता पार्टी जो है वो इस पर कब्जा की हुई है, तो बहुत बड़ी चुनौती है अरविंद केजरीवाल के लिए एमसीडी पर कब्जा करना, क्योंकि हम देख रहे हैं कि जिस तरह से पावर डिस्ट्रीब्यूशन का पूरा मामला दिल्ली में चल रहा है, तो उसमें जो एमसीडी है वो काफ़ी महत्वपूर्ण रोल निभाएगा, क्योंकि हम आए दिन देखते हैं एलजी और मुख्यमंत्री के ऑफिस के बीच में टशल होता रहता है, कई बार फाइलें रोकी जाती हैं, और ऐसे में जब एमसीडी को एकीकृत किया गया है, एक बनाया गया है, तीनों एमसीडी को खत्म करकर अब एक एमसीडी होगा, तो जाहिर सी बात है एमसीडी का जो अगला मेयर होगा उसके पास कई सारे ऐसे पावर होंगे जो सरकार से ज़्यादा भी हो सकते हैं। तो ऐसे में आम आदमी पार्टी और दिल्ली सरकार ये चाहती है कि किसी भी तरह से जो एमसीडी पर कब्जा हो वो आम आदमी पार्टी का कब्जा हो, क्योंकि वो कब्जे की लड़ाई तो चली रही है हमें, और आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल अपने परिवार के साथ तो वोट डालने पहुंच गए हैं। चुनौती का आपने जिक्र किया, पर सबसे बड़ी चुनौती क्या आम आदमी पार्टी के सामने, देखिए जो ये नैरेटिव की लड़ाई है, ये कूड़े का पहाड़ तो दूसरी तरफ भ्रष्टाचार का पहाड़, और भ्रष्टाचार के ये जितने आरोप लग रहे हैं, शराब घोटाला, जल घोटाला, बस घोटाला, क्लासरूम घोटाला, सत्येंद्र जैन का जेल में होना, लगातार वीडियोस बाहर आना, विजय नायर को चार्जशीट कर दिया जाना, ये कितनी बड़ी चुनौती है आम आदमी पार्टी अंदर खाने, वो आपके सूत्र और आपके जो सोर्सेज हैं वो आपको क्या कह रहे हैं? देखिए संदीप जी, साफ तौर पर आम आदमी पार्टी जो अपनी छवि बनाना चाहती थी वो कट्टर ईमानदार पार्टी की छवि बनाना चाहती है, और शुरुआती दिनों में आप अरविंद केजरीवाल के अगर भाषण को देखेंगे तो यही बार बार यही कहते थे कि हमारे जो मंत्री हैं वो कट्टर ईमानदार हैं, हमारी पार्टी जो है कट्टर ईमानदार पार्टी, और ऐसे वक्त एक के बाद एक जो घोटाले के जो मामले सामने आए, चाहे एक्साइज पॉलिसी की हम बात कर ले, स्कूलों की क्लासरूम की बात कर ले, उसके अलावा कल एक मामला लेबर विभाग से आया है, ट्रांसपोर्ट विभाग में बस वाले मामले, तो ये सारे मामले जो हैं कहीं ना कहीं पब्लिक के बीच में जाती है, क्योंकि जो छवि परसेप्शन बनाने की कोशिश आम आदमी पार्टी की तरफ से ईमानदार की गई थी उसको कहीं ना कहीं डेंट लगा है। इस बात को आम आदमी पार्टी बहुत अच्छे से समझ रही है, जो हमारे सोर्सेज भी हैं वो भी कहते हैं कि कहीं ना कहीं इसका असर होगा, लेकिन दूसरी तरफ ये भी पार्टी की तरफ से कहा जाता है कि एमसीडी का जो चुनाव है ये स्थानीय मुद्दों पर होता है, लोगों के गलियों के गली खराब है उसको बनवाने का मुद्दा होता है, कूड़े का मुद्दा होता है, पार्कों की साफ सफाई का मुद्दा होता है, खासकर दिल्ली में लेंटर एक बड़ा चुनावी मुद्दा रहा है, और जिस तरह से बैक टू बैक आरडब्ल्यूए को पावर देने की बात करते हैं, तो ये सारी चीजें मुद्दा रहा है आम आदमी पार्टी का। इसलिए आम आदमी पार्टी हमेशा से ये कोशिश करती आई है कि एमसीडी के चुनाव को कहीं कूड़े के इर्द गिर्द रखा जाए, ताकि मतलब स्थानीय परिपेक्ष, स्थानीय नैरेटिव को जो हाईलाइट करने की कोशिश कर रही है आम आदमी पार्टी पर। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें, ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।